दोस्तों जब भी आप इंस्टाग्राम पर किसी को मैसेज करते हैं तो दोस्तों आपका जो मैसेज है वो उसके पास नहीं जा रहा है। अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके भी इंस्टाग्राम में आ रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो है यहाँ पर मैसेज किया है, लेकिन जो मेरा मैसेज यहाँ पर नहीं जा रहा है, यहाँ पर सेंडिंग ही लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आपके भी इंस्टाग्राम पर वहाँ पर आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी ये मैसेज यहाँ पर सेंडिंग में ही पड़ा हुआ है, ये मैसेजेस अभी अगले बंदे के पास अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है। तो दोस्तों सिंपल सा जो है, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से सबसे पहला काम आ जाना है बाहर। बाहर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको देख लेना है कि आपका जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है वो अपडेट है या नहीं। अगर दोस्तों आपका जो इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है वो पहले से ही अपडेट है तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों अपडेट नहीं है तो आपको पहला काम अपडेट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको फोर्स स्टॉप पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ से पहला काम क्लियर कैच कर देना। क्लियर कैच करने के बाद दोस्तों यहाँ से आ जाना बाहर। बाहर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको डाटा यूजेज का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख लेना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो है आप अपने डाटा को किससे ऑन किए हैं। अगर आप वाईफाई से किए हैं तो इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। अगर आपको जो है पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर जिस भी सिम में रिचार्ज है, जिस भी सिम से आप डाटा यूज करते हैं, उसको यहाँ से इनेबल कर देना है। या फिर दोस्तों आपको यही नहीं पता है कि आप किस सिम में रिचार्ज है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन तीनों को यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एक बार यहाँ से इंटरनेट को चेक कर लेना है कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑन है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो इंटरनेट है यहाँ से ऑफ है, तो इसको यहाँ से कर लेना है ऑन। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मैसेज है वो यहाँ पर डिलीवर्ड हो चुका है, इनके पास पहुँच चुका है। आप दोस्तों इतना करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए इतना करने के बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ से फिर से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद ऐप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इसको कर देना है क्लियर डाटा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने जो है इंस्टाग्राम में कोई वीडियो ड्राफ्ट में सेव कर रखा है, या फिर दोस्तों आपको जो है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का पासवर्ड नहीं पता है, तो सबसे पहला काम आपको जो है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के पासवर्ड को रीसेट करके पता कर लेना है। इससे दोस्तों होगा क्या कि जब भी आप यहाँ से क्लियर डाटा करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम का आईडी होगा वो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर जो है आपको दोबारा से अपने इंस्टाग्राम आईडी के यूजर नेम और पासवर्ड को डाल करके लॉग इन करना होगा। अगर दोस्तों आपको पासवर्ड ही नहीं पता होगा तो आप अपने आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको जो है अपने इंस्टाग्राम आईडी के पासवर्ड को पता कर लेना है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के पासवर्ड को रीसेट कैसे करते हैं, तो दोस्तों इस पर जो है मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना रखा है। आपको जो है मेरे प्रोफाइल पर विजिट करना है, उसके बाद दोस्तों वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिंपल जो है उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर लेना है और अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के पासवर्ड को रीसेट करना सीख जाना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम होगा वो 110% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।